हम निज जीवन सफल बना जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, तब मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निष दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम सर। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में देविका रानी जी उपस्थित हैं, जो हमारी आज की फैकल्टी हैं और वो हमारे यहाँ सेमेस्टर सिक्स कर चुकी हैं, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से वो आज की फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर तीन की स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और इसके साथ साथ वो सेमेस्टर सिक्स कर चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर तीन की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के तीन मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर और दूसरे हैं आदरणीय जीव बिग्रवाल सर, जो वर्तमान में एसपस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस एस सराफ सर। इनके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है और वहां का जो मोटो है, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ईच वन रीच वन, तो तीन जो उद्देश्य है कि पहुंचना है सबके पास, सबका ट्रीटमेंट भी करना है और सबको शिक्षित भी करना है। तो ये अलग जगाई थी 1995 में, यही तीन मनुष्यों और एक अन्य सदस्यों ने, और आज जो संस्थान का रूप है वो उन्हीं के वजह से है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने और पूरे विश्व में फैले, क्योंकि कम खर्चीली है इसलिए इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारी मान्यता है और ऐसा हमारा संकल्प भी है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर फोर की स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हो गई हैं, सेमेस्टर तीन के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। और हम अब देविका रानी जी उपस्थित हैं, उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। वो आज का विषय जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है बीएचपी का, वो अब शुरू करने जा रहे हैं। तो ओवर टू देविका रानी जी। थैंक यू अरविंद सर।
गुड इवनिंग आप सबको। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप कृपया बताइएगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है आपको जो ये प्रेजेंटेशन है? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर म्यूट नहीं होता है तो इको साउंड आता है, डिस्टरबेंस होता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो विषय है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। आप लोगों ने क्योंकि आप सेमेस्टर 3 है और उससे ऊपर है, आप लोग ने तो पढ़ा ही होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपका बॉडी को अगर जिंदा रहना है, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन होना है, तो ऑक्सीजन आपके सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है पहुंचना? सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपका ऑक्सीजन आता है और ब्लड के थ्रू आपने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट होता है। तो पर ब्लड का रोल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब हम थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। अरविंद सर, यहाँ सेकेंड सेमेस्टर के भी कुछ लोग हैं कि इसको डिटेल में बताना है कि थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं? ये भी कुछ है, सेकेंड के दो स्टूडेंट हमारे पास हैं और फर्स्ट के भी हैं, लेकिन वो अभी इसमें आप अभी आए नहीं, लेकिन दो ज्वाइन कर लेंगे, दो के एक के ज्वाइन नहीं करेंगे, दो हैं सेकेंड के हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाऊंगी फिर। जी 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 बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं रेस्पिरेशन की होता क्या चीज है। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स से, जो एक जिस सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सब, ये वहां से कैरी होता है ब्लड के थ्रू टू द टिश्यूज एंड फाइनली वो सेल्स को रीच होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक वेस्ट की तरह भी होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे होती हैं उसके वजह से जो फॉर्म होता है, तो वो वापस ब्लड में जाता है और वो ब्लड उसको वापस लंग्स में लेके जाता है और वो लंग्स के थ्रू निकल जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ये सो ये जो प्रोसेस करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, और बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट due to metabolic activity of cells. तो इसका बहुत important role है। तो इसके various parts होते हैं जो इस काम को possible कर पाते हैं। तो इसके कौन कौन से organs हैं आप देखते हैं, वो दो part में divide होते हैं, upper respiratory tract और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले तो अपर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है जो ऊपरी तरफ है, वो नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ये वोकल कॉर्ड या हमारा जो स्पीच बॉक्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, जिससे आवाज निकलती है, वो ये वहां तक ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी लैरिंग से शुरू होता है, बट वोकल कॉर्ड जो हमारी आवाज का जो बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, उससे नीचे से फिर हमारा आता है
ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, फिर हमारे होते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग यूनिट। अब हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आती है नेजल कैविटी, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब कैविटी का क्या मतलब है, एक स्पेस है जो हमारी नाक है जिसका ओपनिंग है, उसके अंदर स्पेस है, वो नेजल कैविटी हो जाती है। तो जो यहाँ हमारे नोज से लेकर हमारे विंड पाइप तक जो है वो हवा का, जो हवा वहां से जाती है हमारी, एंटर करती है नोज से, नेजल कैविटी से, फिर जाती है स्लोली धीरे धीरे करके आपके लंग्स में। पर ये वो पार्ट है जहां पे फाइनली हवा आपकी जो है एयर अंदर जाती है और बाहर निकलती है, और ये हेल्प करता है आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने में। थोड़ा अगर इनकमिंग एयर का जो टेम्परेचर है और आउटगोइंग एयर का भी टेम्परेचर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फर्क होता है। तो आपका अंदर एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में, जो अंदर एयर जा रही है उसको एयर फ्लो स्पीड मेंटेन करता है ये। इसमें आपने आपके जो छोटे छोटे हेयर हैं, बाल हैं, ये एक तरीके का फिल्टर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो अगर डस्ट चली जाए, धूल चली जाए, तो उसको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, और आपके ये ह्यूमिडिटी लेवल्स भी कंट्रोल करते हैं कि कितना वेपर एयर का जो है अंदर जा रहा है। जो सब ये सारा इसी आपके नोज से ही शुरू हो जाता है। फिर जो आपकी नेजल कैविटी के सीधे बाद है फारिंग्स, जो फिर उसके बाद आएगा लैरिंग्स। ये भी एक पैसेज वे है। तो ये सारे पैसेज वे हैं। सो लैरिंग्स एक मिडवे है बिटवीन द विंड पाइप एंड आपका फारिंग्स, बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे स्पीच बॉक्स आपका लोकेटेड है, एंड एक तरीके का ये वॉच डॉग भी है। वॉच डॉग क्यों है विंड पाइप का, कि अगर कुछ खाने का पार्टिकल या पानी कुछ ऐसे चला गया आपके विंड पाइप में, तो सीधे ये कफ रिफ्लेक्स ये जनरेट करता है, आपको खांसी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है, अगर बाय चांस आपको कुछ थोड़ा सा फ्लूइड या खाना है, कुछ पार्टिकल हल्का सा भी चला गया, तो सीधे खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कफ रिफ्लेक्स ये लैरिंग्स करता है शुरू इमीडिएटली। फिर अब शुरू हो जाता है आपका अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये अब ट्रकिया आ गया, ये विंड पाइप जिसकी हमने बात की थी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स को ब्रोंकाई ये ऑफ द लंग्स में वो करता है। ये सब पाइप है, अभी एक तरीके के पाइप शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हवा पास होती जा रही है। फिर आपका है दो ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकाई आता है विच कनेक्ट योर विंड पाइप जो है, जो आपका ट्रेकिया है लंग्स के साथ कनेक्ट करता है। दो मेन होते हैं ये, राइट एंड लेफ्ट, जो एयर को लेके जाएंगे ये, और फिर ये लंग्स में जाकर के और छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक पेड़ के शाखा की तरह, ब्रांच की तरह, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ये चले जाते हैं लंग्स में। अब लंग्स आपका मेन पार्ट है, ये दो हैं नंबर में, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, सबसे मेन ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपका राइट लंग है, इसमें थ्री लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में, ये याद रखिएगा, एक तो ये पार्ट्स याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, लंग्स के बारे में पूछा जा सकता है, कितने लोब्स है पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। तो राइट लंग तीन लोब से बना होता है, लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब है, क्योंकि हार्ट होता है थोड़ा लेफ्ट साइड में। अब लंग्स में ही होता है एल्वियोलस, ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलस। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है
जो बना हुआ है सिंगल फ्लैट सेल एपिथेलियम से। ये इनमें होता है एक पूरा नेटवर्क, जाली ऑफ कैपिलरीज इनके वॉल्स में, और इसमें सारा गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स से रिलेटेड होता है सारा इनमें होता है फाइनली। ऑक्सीजन इज एक्सचेंज फॉर, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है सारा जो आपका इधर ही होता है। ये अगर आपने देखा होगा ग्रेप्स, ग्रेप्स भी थोड़ा बहुत जो हम खाते हैं अंगूर, वो भी थोड़ा बहुत इनको रिजेम्बल करते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई हैं ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हैं। टाइप वन सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस चेंज ऑफ गैसेस होता है वो टाइप वन सेल्स की मदद से होता है। टाइप टू सेल्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक तो वो फ्लूइड बनाते हैं जो एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से, गिरने से, और दूसरा टाइप वन देख ये जो है टाइप वन सेल्स में भी हो सकते हैं कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो, टू रिपेयर एनी काइंड ऑफ डैमेज, कोई भी डैमेज अगर हो जाए तो ये टाइप वन सेल्स में टर्न हो सकते हैं। तो ये देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये आपका नेजल कैविटी, यहाँ से हवा जा रही है, इस इधर पास हो रही है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स आ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, फिर आपका ये विंड पाइप आ गया। विंड पाइप दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गए और फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गए जाकर के, और एल्वियोलाई यहाँ फाइनली, ये छोटे 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 देख रहे हैं आप, फाइनली जाकर के एल्वियोलाई यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आपका डायफ्राम है जो चेस्ट के एरिया में इधर है नीचे, ये आपका इससे ऊपर सारा चेस्ट का एरिया है, इससे नीचे एब्डोमेन एरिया शुरू हो जाता है, ये सेपरेट करता है चेस्ट को एब्डोमेन से। अब ये देखिए ये एल्वियोलाई एक तरीके से, यहाँ आप देखिए पूरे कैपिलरीज इधर आ रहे हैं ब्लड के, यहाँ से ये आपका इम्प्योर ब्लड या ब्लड फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड जाएगा वापस बॉडी में। तो ये बॉडी से आ रहा है, ये बॉडी में जा रहा है वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद। तो ये पूरा फाइन सिस्टम है, यहाँ देखिए ये जो ये पोर्शन है ये यहाँ मैग्निफाइड तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। नाउ हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है? यस, मेन तो पल्मोनरी फंक्शन है ही, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन तो है ही, उसका मेन फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन तो वही है कि हर मिनट आपके 5 लीटर ऑफ ब्लड आता है लंग्स में फॉर गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, बाहर निकल जाता है, और ये डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। पर इसके खाली पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी फंक्शंस ही नहीं होते, इसके नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी होते हैं। ये बॉडी का पीएच जो ब्लड का है उसका मेंटेन करता है, क्योंकि ये एग्जिट करता है 330 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। अगर ये नहीं निकालता है तो आपके ब्लड में अगर भर जाएगा तो ब्लड भी एसिडिक हो जाएगा, और आपको पता है ब्लड थोड़ा अल्कलाइन होता है, अगर एसिडिक हो जाएगा तो लाइफ नहीं मेंटेन होता, फिर आपका होम्योस्टेसिस बिगड़ना शुरू हो जाएगा, डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगे, या आपका बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो फिर इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो ये पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है इस तरीके से। आपका ब्लड का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, अगेन एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी जो कि जो एक्सेस हीट है वो निकल जाती है, जो एयर जो लंग्स में घुसता है वो बॉडी हीट के वजह से वार्म होता है थोड़ा, और अगर ज्यादा वार्म है जो कुछ भी है जो हीट है आपकी एक्सहेलेशन के थ्रू निकल जाएगी,
तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो एक्सहेलेशन के थ्रू भी वो निकल जाएगा, इससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अदर प्रोसेसेस ऑफ कोर्स, अगर आपको पसीना आता है तो वो जब इवेपोरेट होता है आपकी स्किन के थ्रू, जब बाहर निकलता है तो आपकी बॉडी कूल हो जाती है, पर ये भी एक तरीका है। फिर ये हेल्प करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर मेंटेन करने में बॉडी में, तो आपका करीब 600 से 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो है ये वाटर वेपर के थ्रू एयर में निकल जाता है। ये वॉल्यूम जो है थोड़ा वेरिएबल है, डिपेंड करता है अपॉन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल टेम्परेचर या और भी चीजों पे, बट वाटर वेपर के थ्रू एक्सेस वाटर को निकाल के थोड़ा आपका रेगुलेट करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉडी। या आपके हेल्प करता है एक्सक्रीशन ऑफ एल्कोहल एंड एसिटोन, जैसे ऐसे जैसे वोलेटाइल चीजें होती हैं बॉडी में, तो उनको निकालने में ये अगेन एक्सहेलेशन के थ्रू निकाल सकता है ये। फिर ये सेक्रेट करता है सर्फेक्टेंट। बर्थ के टाइम पे जो बेबी के लंग्स है वो कोलैप्स्ड रहते हैं, तो उस टाइम पे बर्थ के टाइम पे फिर एटमोस्फेरिक एयर उसके एल्वियोलाई में एंटर होते हैं फोर्सफुली, जिसकी वजह से बेबी को बहुत सीवियर पेन होता है, वो रोने लगता है। अगर उस टाइम पे जब फोर्सफुली एल्वियोलाई में एयर घुस रहा है, सर्फेक्टेंट नहीं होगा, तो एल्वियोलाई कोलैप्स रहेगा एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल नॉट टेक प्लेस, जो है बेबी में उस प्रोसेस शुरू नहीं होगा। फिर ये फिब्रिनोलिटिक सिस्टम को भी हेल्प करता है, तो ये कन्वर्जन ऑफ प्रो फिब्रिनोलिटिक इन ब्लड टू फिब्रिनोसिन बाय सेक्रीशन ऑफ लंग्स मेम्ब्रेन, लंग्स की मेम्ब्रेन इसको रिलीज करते हैं, जो हेल्प करता है क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में जो प्रेजेंट होते हैं इम्प्योर ब्लड में, जो लंग्स को लंग्स में रिलीज करते हैं, अदरवाइज नहीं तो ब्लॉकेजेस हो जाएंगे आपके एल्वियोलाई में जब तक वो ब्लड पहुंचेगा, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो। फिर ये एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी आपके ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो वैसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने में हेल्प करता है। फिर सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन विच एक्सेस ब्रॉन्कियो डायलेटर, ब्रॉन्कियो को डायलेट करने में, उसको रिलैक्स करने में, डायलेट करने में ये हेल्प करता है। तो ये नॉन पल्मोनरी फंक्शंस हैं इसके। अभी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म क्या चीज है? ब्रीदिंग जो है वो दो बेसिक प्रोसेसेस उसमें होती हैं। वन इज इंस्पिरेशन एंड वन इज एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में हवा अंदर आ रही है, एक्सपिरेशन में बाहर जा रही है। तो इसमें होता क्या है ना, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका, ये पूरा एक्टिव प्रोसेस है जिसमें फ्रेश जो हवा है, एयर है, एंटर होती है लंग्स में, जो हमने डायफ्राम देखा था, और बीच में आपके कुछ इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डायफ्राम से नीचे आपका एब्डोमेन होता है, उनके मसल्स भी हेल्प करते हैं। तो जब हवा फ्रेश अंदर लाने के लिए डायफ्राम जो है पहले फ्लैट हो जाता है और लोअर हो जाता है, उसके मसल के फाइबर से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ज्यादा हवा अंदर घुस सकती है, और आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये बिटवीन आपके जो रिबकेज है उसके बीच में होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड ये रिब्स को और स्टर्नम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल करते हैं, ताकि आपके लंग्स एक्सपैंड हो सके हवा अंदर लेने में। और ये जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं एंड
अलाउ करते हैं कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब वो भी सिकुड़ जाते हैं ताकि ज्यादा हवा अंदर आ सके आपके इंस्पिरेशन के टाइम पे। अब एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या है, अब आपको हवा बाहर भेजनी है, तो अब क्या होगा, लंग्स से बाहर भेजनी है हवा। तो ये पैसिव प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होगा, जब आपकी हवा बाहर निकलनी है तो मसल फाइबर्स और डायफ्राम जिस तरीके से हमने देखा रिलैक्स हो जाते हैं, मेकिंग इट कॉन्वेक्स, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। फिर ये इंटरकोस्टल मसल्स इंटरनल वाले जो होते हैं, ये मसल्स इनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड डिक्रीज करते हैं। तो उससे क्या होता है, लंग्स में जो हवा है वो बाहर निकलती है ऑटोमेटिकली। और फिर जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स सजेस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल कंप्रेसेस द एब्डोमेन एंड पुशेस कंटेंट्स टुवर्ड्स द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम की तरफ पुश करते हैं अपने पार्ट्स को, स्ट्रक्चर्स को, तो हेल्प करते हैं आपके एक्सहेलेशन में। इस प्रोसेस में आपका एक प्लूरल मेम्ब्रेन होता है आपके लंग्स में, ये आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा से बना होता है। आउटर प्लूरा है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और इनर प्लूरा होता है विसरल प्लूरा। तो ये नॉर्मली मेसोथीलियल सेल से बने होते हैं, और ये वाइटल ऑर्गन्स में आपके जनरली ये कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन्स होते हैं ये। तो और इन इन आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में आपका एक स्पेस है जिसको आप बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जो लंग्स को सराउंड करता है। ये स्पेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड से फिल होता है, विच फंक्शंस टू कीप ईच प्लूरा ह्यूमिड एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, रगड़ाई, जो रगड़ाई होती है उसको प्रिवेंट करता है व्हेन द लंग्स मूव ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उसको ह्यूमिड रखता है और आपके रगड़ने को, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। पर अगर ये किसी वजह से इट्स फिल्ड विद एयर, तो ये न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है इसको। ये वेरियस कंडीशंस हैं, या इफ इट इज फिल्ड विद ब्लड इट इज नोन एज हेमोथोरैक्स, एंड इफ इट इज फिल्ड विद पस इट इज नोन एज पायोथोरैक्स। सो आपका एक कंप्लीट जो रेस्पिरेशन साइकिल है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये 4 सेकेंड का होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट 15 पर मिनट है। आउट ऑफ दिस इंस्पिरेटरी फेज इज ऑफ 1.2 सेकेंड, जो आपका हवा अंदर आ रही है, सो दैट द गैस गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली इन 1 सेकेंड। बट जो आपका रेट ऑफ गैस एक्सचेंज है, ये बहुत हाई है, 0.003 सेकेंड में ब्लड बिकम सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ये आपने ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बहुत फास्ट एक्सचेंज रेट होता है, मतलब ऑक्सीजन में 0.003 सेकेंड में ब्लड जो आपका आता है वो फिल हो जाता है ऑक्सीजन से, जो एक एल्वियोलाई में जाता है। अब ये देखिए, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा समझने में। तो इनहेलेशन के टाइम में ये जो है डायफ्राम आपका ऐसे इस तरफ, ये जो है आपके इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब केज को मूव करते हैं आउटवर्ड, जिससे आपका लंग एक्सपैंड होता है, एयर ज्यादा अच्छी तरह फिल हो सकती है। डायफ्राम भी नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो जब ऐसा होता है तो आपकी स्पेस यहाँ बन जाती है और एयर एकदम पुल इन हो जाती है। जब ये होता है प्रेशर इन लंग डिक्रीजेस एंड एयर कम्स रशिंग इन। और जब आपका एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन का फेज आता है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, ये डायफ्राम आपका
ये भी रिलैक्स हो जाता है, अपना वापस शेप में ये आ जाता है प्रॉपर, ये ऊपर। एंड उससे क्या होता है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी आप देखेंगे इनवर्ड की ये है, मूव हो जाते हैं, मूव डाउन एंड इनवर्ड। उससे क्या होता है, स्पेस कम हो जाती है एंड प्रेशर लंग्स में इंक्रीज हो जाता है एंड हवा जो है बाहर एकदम पुश हो जाती है। अब यहां देखिए, हमने प्लूरल मेम्ब्रेन की बात की थी, तो ये है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन की प्लूरल क्लेविटी है बीच में, ये आपका लंग्स है, लंग्स के बीच में ये फ्लूइड है जो स्पेस में आपको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। तो विसरल और ये पैराइटल प्लूरा, बीच में आपका प्लूरल कैविटी मेम्ब्रेन ऐसे है बाहर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पे। एक जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, जिसमें वो जो बहुत आपका नॉर्मल प्रोसेस ही है, उसको हम यूपनिया बोलते हैं। ये एक रिलैक्स ब्रीदिंग है, इसमें आपका सारे जो हमने अभी पार्ट्स पढ़े हैं थोरैक्स एब्डोमेन के, वो फुल सपोर्ट देते हैं, और इसको थोराको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। पर प्रेग्नेंट लेडी के केस में एब्डोमिनल मसल्स सारा पूरा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके की आपकी ब्रीदिंग बताई है। एक है हाइपरपीनिया, व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन आर हायर देन नॉर्मल। रेट और डेप्थ दोनों हायर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हीट ज्यादा तेज हो गई, पेन हो गया, या इमोशंस आपके डिस्टर्ब्ड हैं, तो रेट और डेप्थ हायर हो जाते हैं नॉर्मल से। फिर नेक्स्ट है टैकीपीनिया, व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन नॉर्मल बट डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉर्मल। जब रेट आपका, जिस रेट पे आप रेस्पिरेशन हो रहा है वो हायर है नॉर्मल से, पर जितना डेप्थ है उसका वो नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल ये तब एक, अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है इस कंडीशन में हो सकता है, या अगर आप सडन फास्ट रनिंग करते हैं तो आपका रेट हाई हो जाएगा रेस्पिरेशन का, डेप्थ उतना ही नॉर्मल रहेगा। फिर एपनिया, अगर यहाँ पे है, देर इज एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स बिटवीन इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेस, इसमें ब्रीदिंग का सेसेशन हो जाता है, यानी बंद हो जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग एपनिया देर इज नो मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो हमने पहले पढ़ा था इनहेलेशन के टाइम, एंड द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इनिशियली रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम तो अनचेंज्ड है, तो उस केस में इसको एपनिया बोलेंगे। इन सम डिजीजेस ऑफ लंग्स इट बिकम्स abnormal, means time duration between two respiratory phases and two आपके जो है वो acts में increase, मतलब आपके ये जो है time duration और भी increase हो जाएगा, तो इससे आपकी जो exchange rate है, जो आपके oxygen levels हैं, ये सब में बहुत फर्क पड़ सकता है। ये जो ऐसा देविका, हाँ हाँ, ये जो एपनिया है इसमें होता क्या है कि जो जब इंस्पिरेशन वाला होता है तो 1.2 सेकंड का होता है, और एक्सपायरेशन जो होता है 1.8 सेकंड का होता है, और हम लोगों का टोटल टाइम जो दिया गया 4 सेकंड का दिया गया है, यानी 1 सेकंड का समय ऐसा है जिसमें हम लोग कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1.2 में हमने ले लिया और 1.8 में निकाला तो 3 सेकंड में काम हो गया। 1 सेकंड हमारे पास पूरे साइकिल में 1 सेकंड का बनता है, तो उस 1 सेकंड को हम यूटिलाइज कर लेते हैं कभी कभी सांस रोकने में, लेकिन अल्टीमेटली उसको कभी ना कभी लेना ही पड़ेगा, ये है इसका एपनिया में। हाँ, पर यहाँ पे आप ये देखें कि इंटरवल बढ़ गया है,
फोर सेकेंड की बजाय 10 सेकेंड हो गया, या कुछ कुछ कंडीशन में और भी बढ़ जाता है, तो तभी आपकी ये डिस्टर्ब ब्रीदिंग है, आपका उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो तभी ये एपनिया है। इसमें आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह जैसी चीजें हो सकती हैं। फिर ये चाइनीज स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, ये इट इज एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिवली डीपर, मतलब ज्यादा डीपर एंड समटाइम्स फास्टर ब्रीदिंग, मतलब ग्रेजुअली आपका प्रोग्रेसिवली ज्यादा डीप ब्रीदिंग होती जा रही है और फास्टर होती जा रही है, फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली उसका क्या रिजल्ट होता है, टेम्पररी स्टॉप इन ब्रीदिंग होता है। तो इन इट हाइपरपीनिया एंड एपनिया कंडीशंस अकर इन साइक्लिकल पैटर्न। तो ये हाइपरपीनिया यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल जो था, और जो एपनिया है ये साइक्लिकल पैटर्न में होता है। ये एक एग्जांपल है, जैसे पेशेंट्स ऑफ कार्डियक फेलियर में ऐसी ब्रीदिंग हो सकती है, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, ये लेबर्ड ब्रीदिंग हो जाती है। ये सारी की सारी पहले हमने क्या पढ़ा था, जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है वो अनलेबर्ड है, आराम से होती है, पर इनमें लेबर्ड ब्रीदिंग हो गई है, एफर्ट है, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल पैटर्न है, तो इसमें एफर्ट लगता है। फिर आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग साउंड्स आपके होते हैं जब आप एयर लेते हैं अंदर, अलग अलग तरीके के, तो आपने देखा होगा आप डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो अपना स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं आपके लंग्स को, तो वो आपका ब्रीदिंग साउंड भी चेक करते हैं, आउट ऑफ मेनी अदर थिंग्स किस तरीके की साउंड आ रही है, उससे उनको पता चलता है क्या इश्यू है आपके लंग्स में, नॉर्मल है कि कोई इश्यू है, वो टाइप ऑफ साउंड से उनको थोड़ा पता हो लगना शुरू हो जाएगा कि क्या इश्यू है, उससे अंदाजा लगाते हैं वो। सो ब्रेथ साउंड्स आर नॉइजेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये नॉर्मल नॉइजेस हैं जो आपके लंग्स प्रोड्यूस करते हैं ब्रीदिंग के टाइम, ये होते हैं क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। The noise at trachea, यानी windpipe, which we may hear with stethoscope, is known as bronchial or tubular sound. This sound at chest or back of lungs area is an indication of open bronchi, ruptured bronchi or lung parenchyma atrophy. मतलब कि आपका अगर normal है, आपका जो system है open bronchi, आपका जो windpipe है वो ठीक है कि उसमें कुछ issue है, तो अगर आपका वेसिकुलर साउंड है, एक वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स आर सॉफ्ट एंड लो पिच्ड, मतलब उसकी बहुत लो पिच होती है, सॉफ्ट होते हैं, एक रस्लिंग जैसे पत्ते नहीं हिलते हैं वैसे रस्लिंग क्वालिटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होता है, एंड एक्सपिरेशन के टाइम, एक्सहेलेशन के टाइम और भी सॉफ्टर हो जाते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन ब्रेथ साउंड नॉर्मली हर्ड ओवर मोस्ट ऑफ द लंग सर्फेस, ये मोस्ट कॉमन साउंड है। दिस साउंड जनरेट्स ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एयर इन एल्वियोलस थ्रू अ ट्यूब, वो ट्यूब आपका जो विंड पाइप है, ब्रॉन्कियोल्स है, तो जो मूवमेंट हो रहा है, एयर फिल हो रहा है, उसका साउंड है। ब्रॉन्चाई ये है कंटिन्यूअस लो पिच साउंड, रैटलिंग लंग साउंड, रैटलिंग जैसे आपने कुछ मेटल्स एक दूसरे में, जैसे बर्तन या कुछ आपस में टकराते हैं, लो पिच्ड है पर वैसे साउंड है रैटलिंग, जो रिजेंबल करता है आपका स्नोरिंग को। तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन और सेक्रेशन इन लार्जर एयरवेज आर फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ ब्रॉन्चाइल, मतलब लार्जर एयरवेज हो गया आपका ट्रेकिया ब्रॉन्काई,
दे कैन बी हर्ट इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, निमोनिया, मतलब ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई इश्यू है, अगर ये साउंड आ रहा है। फिर दूसरा है क्रेपिटेशन, ये है क्लिकिंग, रैटलिंग और क्रैकलिंग नॉइजेस, इस तरीके के नॉइजेस हैं ये, जस्ट लाइक नॉइज मेड अप बाय वॉकिंग ऑन ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों में जैसे आप चलते हैं वैसे आवाजें हैं। दिस जेनरेट्स व्हेन लूमेन ऑफ एल्वियोलाई इज फिल्ड विद फ्लूइड, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया में। तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, और ऐसी आवाज उसमें आ रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड थे। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो ये सब साउंड्स आपके आगे, जब आपका चेस्ट में आगे और पीछे, जब वो आपका स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, तो वो बहुत ध्यान से आपका लंग जो आवाजें निकाल रहा है उसमें से आवाजें आ रही हैं, वो भी चेक करते हैं कि किस तरीके की आवाजें। उससे उनको पता चलता है कि आपका लंग फंक्शन नॉर्मल है कि उसमें कोई इश्यू है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। फिर ये वेंटिलेटरी बाउंड्रीज ऑफ लंग्स। अब दो चीजें हैं इसमें, टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। ये है टाइडल वॉल्यूम है, इट इज द लंग वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बिटवीन नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन व्हेन एक्स्ट्रा एफर्ट इज नॉट अप्लाइड। यानी नॉर्मल जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है जो डिस्प्लेस हो रहा है आपके नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में, जब लेबर हमको एफर्ट नहीं करना है। इन अ हेल्दी यंग ह्यूमन अडल्ट टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर इंस्पिरेशन और 7 ml पर kg ऑफ बॉडी मास। वाइटल कैपेसिटी, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ लंग टिश्यूज एंड थोरैसिक केज जॉइंटली। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी विद एफर्ट ऑफ लंग्स टू अक्यूमुलेट एयर, अपने अंदर एयर को अक्यूमुलेट करना का मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, एयर से भरने का एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ये बता रहा है। इट्स नॉर्मल वैल्यू इन मेल्स इज 4 to 6 liters। By measuring this, we can calculate the reduced efficiency of lungs in different types of lung problems. तो tidal volume और vital capacity दोनों आपके lung condition को बता सकते हैं कैसे हैं। Athletes and swimmers have high tidal volume and vital capacity, but in pregnant ladies it is lower. इसलिए होता है athletes and swimmers में भी exercises ज्यादा करते हैं उनका, they require also, तो वाइटल कैपेसिटी और उनके टाइडल वॉल्यूम दोनों ज्यादा होते हैं उसमें। कैपेसिटी टू एक्यूमुलेट एयर एंड डिस्प्लेस करना जो है ये आपका दोनों हाई होते हैं एथलीट्स में। वेरस प्रेग्नेंट लेडीज में हमने पहले भी पढ़ा था ये कैपेसिटी थोड़ा लोअर हो जाता है, एब्डोमिन भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है, अब हमने ये जानते हैं हम लोग, आप लोग मोस्टली शायद थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के हैं, उससे ऊपर के भी हैं जो नहीं भी हैं, हमारे बहुत मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, ऑल द प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड थ्रू द ब्रेन। और जो है आपका रेस्पिरेशन भी वहां से रेगुलेट होता है, आप में सेंटर्स जो है ब्रेन में, उससे तो मेडुला रीजन होता है आपके ब्रेन में, एक स्पेशल सेंटर जो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके रेगुलेट करने का रेस्पिरेटरी रिदम्स को, ये होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी एक्ट नॉर्मली एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस होता है, बट हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी अरविंद सर बता रहे थे कि थोड़ी देर तक तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है विच इज लोकेटेड इन मेड्यूला में ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, ये भी पार्ट है ब्रेन में,
इन द इनवॉलेंट्री वे द रेस्पिरेशन इज गवर्न बाय पॉन्टो मेड्यूलरी सेंटर्स. मेनली द इंस्पिरेटरी सेंटर वर्क्स एज अ पेसमेकर फॉर द रेस्पिरेटरी एक्ट. जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो उसका पेस डिसाइड करता है. जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ये एक तरीके का पेसमेकर है जो उसका पेस डिसाइड करेगा रेस्पिरेशन का. इंस्पिरेटरी फेस तो हमने पढ़ा इज एन एक्टिव फेस. सो टू इवोक इट स्टार्ट इट इंस्पिरेटरी सेंटर जेनरेट्स एक इम्पल्स को करता है विच हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स एंड देन अलाउज द एटमोस्फेरिक एयर टू फिल इन. ये जो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन और एयर भरना इंस्पिरेटरी फेज में उसमें ये इंस्पिरेटरी सेंटर डायरेक्ट करता है. इम्पल्स भेजता है जिसमें ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हवा ज्यादा भरती है इसके डायरेक्शन की वजह से. जो सेल्यूलर लाइनिंग है लंग्स के उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं विच गिव इंफॉर्मेशन. स्ट्रेच मतलब फैलना स्ट्रेच होना विच गिव इंफॉर्मेशन टू एपनियोस्टिक सेंटर लोकेटेड इन द लोअर पॉन्स एंड एक्सपिरेटरी सेंटर थ्रू वेगस नर्व अबाउट द बलूनिंग ऑफ एल्वियोलाई. ये सब सेंटर्स है आपकी ब्रेन में जो बेसिकली आप इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे डिटेल में बट ये हेल्प करते हैं आपके रेस्पिरेशन के फंक्शंस में. एपनियोस्टिक सेंटर ऑर्डर्स इंस्पिरेटरी सेंटर टू स्टॉप द वर्क एंड एक्सपिरेटरी सेंटर टू स्टार्ट द फेनोमेना ऑफ एक्सपिरेशन. तो ये अब एक बार इंस्पिरेशन हो गया तो ये एपनियोस्टिक सेंटर्स आपके इंस्पिरेटरी सेंटर को गाइड करता है कि आप बंद करो अपना काम और एक्सपिरेटरी सेंटर को स्टार्ट एक्सपिरेटरी प्रोसेस को स्टार्ट होना है. तो ऑटोमेटिकली फिर एक्सपिरेटरी फेज बिगिन हो जाता है. फिर जो नेक्स्ट इम्पल्स है इंस्पिरेटरी फेज का जो आएगा इंस्पिरेटरी सेंटर से वो एक्सपिरेटरी फेस को स्टॉप करके इंस्पिरेशन को स्टार्ट करता है मतलब आपके इनहेलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है. सो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन पूरा रेगुलेट होता है. अब सर बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप रेगुलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो अपना कंट्रोल कर सकते हैं रेस्पिरेशन को थोड़ी देर तक. तो वॉलंटरी रेस्पिरेशन वो चीज है कि मतलब इसका ये है कि आप अपने रेस्पिरेशन को थोड़ी देर के लिए तो किसी भी वक्त रोक सकते हैं पर उसमें एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन द पर्सन विल बी फोर्स्ड टू ब्रीद इन और एक्सपायर आउट. दिस इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट. इस पॉइंट के बाद आप नहीं रोक सकते. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग साइकिल बिकॉज इट इज हाईली पोटेंट टू स्टिमुलेट मेडुलरी सेंटर्स. अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको आप ज्यादा फिर नहीं रोक पाएंगे. द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पिरेटरी एयर मतलब जो इनहेल होता है वो है 0.04 ml/100 ml ऑफ एयर. इफ इट इज हायर देन नॉर्मल देन द फॉलोइंग विल हैपन. ठीक है एक चीज तो आपको समझ में आ गई. अब ब्रेकिंग पॉइंट से ज्यादा आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे फिर वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस आपको शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा. तो अगर आपका एयर में अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो घुस गया देन व्हाट इज द नॉर्मल. नॉर्मली थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में ये हमको पता है वो भी इनहेल होगा ही बट अब अगर हायर देन नॉर्मल हो गया तो फिर टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुरू हो जाएगी. तब क्या होगा द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है पूरा प्रोसेस विल इंक्रीज इफ द एयर हैज 1.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आपका इनिशियली तो आप नोटिस नहीं करोगे. पर्सन स्टार्ट Noticing if the percentage will increase up to 4% and the rate and depth of respiration both will increase. Rate or depth will increase होना शुरू हो जाएगा जब 4% से ज्यादा हो जाएगा. 1.5 में तो आपको इतना नोटिस बिल्कुल नहीं होगा. रेस्पिरेशन तो इंक्रीज हो जाएगा पर नोटिस नहीं करेगा पर्सन.
जैसे 4% हो जाता है, पर्सन स्टार्ट नोटिसिंग, और उसका रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों इंक्रीज हो जाएगा. और अगर 10% तक इंक्रीज हो गया तो पर्सन को पेन शुरू हो जाएगा ब्रीदिंग में, ये डिस्पेनिया कहलाता है. एंड एट 15% द स्केलेटल मसल विल बिकम रिजिड एंड विल शो टेटनेस लाइक कंडीशन, शेकिंग शुरू हो जाएगा. सेल्यूलर नेक्रोसिस विल स्टार्ट इफ द पर्सन विल ब्रीद इन 20%. अंदर अगर आपने ले लिया 20% कार्बन डाइऑक्साइड, इतना हाई वॉल्यूम, सेल्यूलर डैमेज शुरू हो जाएगा. अगर 10 to 15 minutes तक ये हुआ तो सेल ब्रेकडाउन, सेल डैमेज शुरू हो जाएगा. पर्सन विल फील ड्राउजी, द म्यूकस मेम्ब्रेन विल बिकम ब्लूइश इन कलर, एंड इफ नॉट ट्रीटेड इन 5 minutes द पर्सन में डाई. तो ये इफेक्ट होता है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी में. अब ऑक्सीजन भी अगर रेगुलर मात्रा से ज्यादा हो उसकी भी टॉक्सिसिटी होती है. द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 19 to 20%. द पर्सन विल फील एनर्जेटिक इफ इट इंक्रीजेस अप टू 30%. वहां तक तो ठीक है. बट अगर 60% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर हो द पर्सन विल बिकम रेस्टलेस आफ्टर 3-4 hours ऑफ ब्रीदिंग. He will feel nasal congestion and burning after 12 hours. Oxygen बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी problem है. He will be unable to find out what wrong is happening. In next 24 hours, symptoms of pneumonia will appear and possibility of cerebral ischemia will increase. Cerebral damage. तो ये आपके इफेक्ट्स होते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. अब जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होता है, ये डिफ्यूजन मेथड से होता है, ये हमने पहले देखा है. पर डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी और एफर्ट बाय द बॉडी. जो गैसेस है ऑटोमेटिकली मूव करती है between the alveoli and the capillaries in the lungs. The rate of diffusion depends not only on the solubility of gases but also on the thickness of the membranes involved in gas exchange. So gases ki solubility kitna jaldi soluble ho jayenge, but aur membranes jo hain, jo unki thickness kya hai involved in the gas exchange alveoli mein. So the transport of gases jo hain aapke depends on two qualities. It should be water soluble. Second, there should be some carrier for its transportation in blood. So oxygen is soluble in water and it is transported in blood by hemoglobin. ये सबने first semester में पढ़ लिया होगा. जो second semester में भी है, आपका hemoglobin oxygen carry करता है. So oxygen is soluble होता है water में and it is transported in blood by hemoglobin present in erythrocytes, यानी आपके red blood cells में. कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल होता है वाटर में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, बट मेनली दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स एंड पार्शियली थ्रू कार्बामिनो कंपाउंड्स एंड हेमोग्लोबिन. एक्सेप्ट दिस अनदर गैस इज अमोनिया विच अफेक्ट द सेल्युलर मेटाबॉलिज्म विच आफ्टर द सेल्युलर मेटाबॉलिज्म सॉरी डिजॉल्व्स इन ब्लड एंड रीचेस टू द लिवर. Here it is converted into urea and further excreted through urine. तो ये सारे जो है gases, ये water soluble होते हैं और इनका carrier जैसे hemoglobin है या ये ions या different ways में ये transport होते हैं blood में. तो इसलिए easily transport हो जाते हैं blood के through, आपके different cells में पहुंच जाते हैं और cells के through जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो इनके वेस्ट मटेरियल है ये निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, ये सब निकल जाते हैं और जा पाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और इनको मीडियम मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन का. अब
अब एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया. सो व्हेन टिश्यूज रिसीव इनएडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया. एक हाइपोक्सिया की सिचुएशन बन जाती है. तो ये ध्यान रखिएगा, इनएडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है आपके टिश्यूज को. तो ये फोर टाइप्स के हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया व्हेन ऑक्सीजन इज लेस देन नॉर्मल वैल्यू इन एयर, फॉर एग्जाम्पल एट हाई ऑल्टीट्यूड. हाई ऑल्टीट्यूड में आप जाते हैं माउंटेन में या किसी जगह पे जहां बहुत हाई उसमें आप चले जाते हैं, तो हाइट में चले जाते हैं तो ऑक्सीजन लेस होना शुरू हो जाते हैं, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है. या मसल्स, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाए तो मसल्स पैरालाइज भी हो सकते हैं इसमें. फिर एनेमिक हाइपोक्सिया, इफ नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज और हेमोग्लोबिन इज टू लेस, ये आपका मेल न्यूट्रिशन, हेमरेज, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अकर हो जाता है ये एनीमिया की वजह से. फिर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, व्हेन द फ्लो, ब्लड फ्लो इज वेरी लो और स्टैग्नेंट, किसी वजह से ब्लड फ्लो बहुत कम है या स्टैग्नेंट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट ब्लड इफ देयर इज एनी क्लॉट या थ्रोम्बस इन पल्मोनरी वेसल्स, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो जाएगा आपका. और चौथा है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इफ सेल्स ऑफ बॉडी आर अनेबल टू यूज ऑक्सीजन ऑफ ब्लड ड्यू टू पॉइजन, फॉर एग्जाम्पल इन साइनाइड पॉइजनिंग, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहलाता है. सेल्स अपने, तो ये इन कंडीशंस में ऑब्वियसली आपको पता है सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं कर पाएंगे और आपके बॉडी में इश्यूज, डैमेजेस होने शुरू हो जाएंगे. तो इसका इफेक्ट क्या है फिर, क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी के वेरियस सिस्टम्स में और नर्वस सिस्टम. व्हेन हाइपोक्सिया इज रैपिड एंड सिवियर, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर, अचानक से आपका कॉन्शियसनेस, बेहोशी हो सकती है आपको, और ऑन रिकवरी पर्सन फील्स दैट ही वॉज नॉक डाउन बाय अ ब्लो. रिकवरी पे जब वो होश में आता है तो ऐसा लगता है उसको कि उसको किसी ने मारा था, जैसे सर पे मारा हो, उसके वजह से वो बेहोश हो गया, वैसी फीलिंग आती है. और अगर ग्रेजुअल हो तो ऐसी सिम्टम जैसे आपने अल्कोहल लिया हो, एक नशा सा, सिम्टम्स लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, बहुत अच्छा सेंस ऑफ वेल बीइंग होता है, थोड़ा डिप्रेशन, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, विजुअल एंड ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, एंड पर्सन इज अनेबल टू ऑप्ट फॉर सेफ्टी मेजर्स, ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा अजीब सा कंडीशन रहता है उसका, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है. तो ये नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट होता है क्योंकि नर्व्स उतना सिग्नल्स अच्छी तरह से फिर नहीं भेज पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है, अगर रैपिड और सिवियर हो, हाइपरनिया फॉलोड बाय एपनिया में लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर रैपिड एंड सिवियर है. ग्रेजुअल है तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, सो टू मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा. और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कि हार्ट में क्या फर्क पड़ रहा है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट में वो इंक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. तो आपका हेल्प करने में, पंप करने में ब्लड. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या फर्क पड़ता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब आपको थोड़ा नॉजिया होता है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, एपेटाइट आपका जो है रिड्यूस हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, ड्राइनेस ऑफ माउथ, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एट हाई ऑल्टीट्यूड. तो ये आपका बॉडी में धीरे 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 आपकी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन.
अब थोड़ा सा देख लेते हैं सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्योंकि कभी कभार आपके क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, एक दो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम के डिजीजेस बता दीजिए। तो एक आपका है अस्थमा, ब्रॉन्कियल अस्थमा, या बहुत लोगों में पाया जाता है। सो इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज। इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके एयरवेज में, आपकी जैसे आपका विंड पाइप है, ब्रॉन्कियोल्स वगैरह है आपका, आपके लैरिंग्स वगैरह में ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ब्रॉन्कियल हाइपर एक्टिविटी, मतलब ज्यादा काम करना, एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, एंड ए वेरिएबल डिग्री ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवेज गेट नैरो, कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट धीरे नैरो हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सोलन हो जाते हैं ना, ब्लॉक बाय एक्सेस म्यूकस। तो जिसे हम फ्लेम या आप कफ भी बोलते हैं, ये उससे भर जाता है ब्रॉन्कियल अस्थमा में। सिर्फ ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। फिर एम्फिसीमिया, ये भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, कॉज बाय डैमेज टू द एल्वियोलाई। आपको जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट में ही अगर डैमेज है तो इश्यू तो होगा ही, एयर ट्रैप्ड हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड इंक्रीज। जब गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ठीक से तो फिर बॉडी में इश्यूज तो होंगे ही, और ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है ये। ब्रॉन्काइटिस, ये भी एक कंडीशन है जो आपका ब्रॉन्कियल ट्यूब्स है जो हमने पढ़े थे, उनकी लाइनिंग जो है बिकम, उनमें भी इंफ्लेमेशन एंड इरिटेशन होता है, स्वेलिंग होती है, वो डिफिकल्ट करता है वो ब्रीदिंग को, डिफिकल्टी होती है इन ब्रीदिंग में आपके। और अब इन्फ्लेमेशन है तो म्यूकस के भी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी इसमें भी होनी शुरू हो जाती है। निमोनिया, अब निमोनिया में एक वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है या कोई भी इंफेक्शन एजेंट दूसरा कोई, जो क्या करते हैं एल्विलाई को भर देते हैं फ्लूइड या पस से। ये इंफेक्शन इंफेक्शन एजेंट है कोई भी, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, वो आपके एल्विलाई को भर देते हैं फ्लूइड या पस से। अब जब वो भर जाएगा तो एयर तो जा नहीं सकता, तो बॉडी की एबिलिटी टू एक्सचेंज गैसेस रिड्यूस हो जाती है, वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, और भी इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे बॉडी में। ये सब आपके ब्रीदिंग को इफेक्ट करते हैं, आपके रेस्पिरेशन लेवल रेट सब चीज को इफेक्ट करते हैं। तो ये हुए कुछ बेसिक आप रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं। तो इससे हमारा, इसके साथ हमारा खत्म होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो सब हमने शेयर किया है ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। आप जो है ये आपके बुक के हिसाब से है, और बुक एक बेस है, तो हमने जो यहाँ पर भी शेयर किया है ये कॉमन जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिसके जो लोग आते हैं वो आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, और इसका जानकारी आवश्यक है, क्योंकि आपको फिर पता चलता है कि अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, क्या इश्यूज है रेस्पिरेशन में, क्या रेस्पिरेटरी अगर कोई डिजीज लेकर आया है तो उसमें क्या हो रहा है, और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बुक को बेस बनाइए, इसको पढ़िए अच्छी तरह से, और थोड़ा और अपना आप पढ़िए, अपनी तरफ से भी पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। जब भी कोई कुछ लेके आता है उसमें भी पढ़िए क्या लेकर आया है, क्या इशू लेकर आया है, उसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो उससे आपके ट्रीटमेंट में हेल्प होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि आपके बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने के, उसके अपने एक्टिविटीज को सही तरीके से करने में इसका रोल है, तो इसका फंक्शनिंग सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर आप दोबारा रिवाइज करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और इनके और भी जो इश्यूज हो सकते हैं थोड़ा पढ़िएगा, जानिएगा, और उसको कोरिलेट करिए जो आपने पढ़ा है उससे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देविका, बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया, पूरा विस्तार से हो गया।
और सारा आप लोग इसको सारा आप लोग इसको थैंक यू मैम। इसको पढ़िए आप लोग। पढ़िए आप लोग। और अभी हम 5 मिनट का गैप देते हैं। थैंक यू देविका। थैंक यू सर। बस अब हम लोग 5 मिनट का गैप दे रहे हैं, फिर उसके अभी दोबारा मिलते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है।